झारखंड में सोमवार को 181 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ताजा मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4005 पर पहुंच गया है। अब हजारीबाग डीसी डॉक्टर भुवनेश ने 15 जुलाई से 7 दिनों तक हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले से लगे सभी बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे ताकि नगर निगम क्षेत्र में बाहरी गतिविधियां ना हो सके। बता दें, डीसी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह की एक साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक दिन पहले उनके चचेरे भाई भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद उपायुक्त आवास के 40 लोगों का सैंपल लिया गया था। इसमें 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उपायुक्त ने ट्वीट कर बताया कि उनकी बेटी समेत आवास व गोपनीय से जुड़े 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर समाहरणालय के कार्यालय अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे, जिसमें सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दैनिक कार्यों का संपादन ऑनलाइन किया जाएगा। इधर सीओ सुब्रा रानी ने जानकारी दी है कि रांची के नामकुम ब्लॉक को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां से 15 कोरोना केस मिले हैं। मिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा क्या लगा लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओ सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 डिग्री सुपर वाइड सेल्फी ऑन वीवो V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मकीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह,